दूध लेहे निकले युवक के अपहरण की कहानी निकली झूठा। कोरबा के महेंद्र शर्मा खुद रचे रही अपहरण की कहानी। जांजगीर के चंदनिया पारा में रही के प्राइवेट बैंक में करत रही काम। पत्नी ला फोन कर खुद मांगे रही फिरौती। कोरबा की दीपका स्थित एसीबी कोलवासरी कंपनी में राज्य सरकार के खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग और जीएसटी के टीम एक संग मारी छापा। कोयला के अफरा तफरी ला लेके मारे गए छापा के बाद मची सड़कम। प्रदेश के 125 तहसील में औसत ले भी कम हो है बरसा। 32 तहसील में तो हालत एकर ले भी बदतर, जेकर कारण ये इलाका में धान की बुआई में पड़ा थे बहुत बुरा असर। खेती किसानी के काम काफी हद तक हुई प्रभावित। उन्हें पानी की कमी ले रोपाई के काम बुरा तरह ले प्रभावित। अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग में राजपुर के गेउर नदी पुलिया के तीर बेकाबू पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त हो जाए के बाद लकड़ी तस्करी के हुई खुलासा। पिकअप में मिली 34 नग चौखट, चालक मौका ले वाहन लेके हुई फरार। वन विभाग चौखट करी जब्त। भिलाई कुम्हारी थाना में पदस्थ एसआई प्रकाश शुक्ला ला मर्ग जांच और सौ सुपुर्दनामा के नाम में रिश्वत लेना पड़ी महंगा। पीड़ित पक्ष है रुपया के लेन देन के बनाई पूरा वीडियो। दुर्ग एसपी वीडियो देखे के बाद एसआई शुक्ला ला करिस लाइन अटैच और विभागीय जांच के दीज आदेश। रेलवे बोर्ड है एक बार फिर छत्तीसगढ़ के 36 लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन ला बिना कारण करिस कैंसिल। 10 जुलाई ले शुरू हो गया गाड़ी अब नहीं चलाए 16 जुलाई तक। लगातार ट्रेन के कैंसिल हो ले यात्री मन के बाढ़ी मुसीबत। बिलासपुर मस्तूरी थाना क्षेत्र में पत्थर खदान में लबालब भरे पानी में डूबे ले 10वीं कक्षा के छात्र के मौत। स्कूल जाए बर निकले रही छात्र, बिना बताए अपन चार दोस्त संग पत्थर खदान में गए रही नहाए। ये दौरान गहराई में जाए ले छात्र के हुई मौत। दंतेवाड़ा के सिटी कोतवाली क्षेत्र में बाल सुधार गृह के नौ लड़का हुई फरार। देर रात दीवार फांद भाग निकली लड़कन। गिनती करवाए गए जमन नौ लड़का मिलिन कम। शुरुआती जांच में सबों के दीवार फांद के भागे के मिली जानकारी। और बिलाईगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत नगरदा में पलम्बर के काम करैया युवक के मिली लाश। हत्या कर सौला जलाए के करे गए प्रयास। खेत में युवक के लाश मिले ले इलाका में हड़कंप। घटना की सूचना मिला थी, बिलाईगढ़ पुलिस मामला के करत है जांच। कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला द्वारा लोक शांति और सुरक्षा बनाए रखे बर कलेक्ट्रेट परिसर और ओखर आसपास धारा 144 करिस लागू। जिन 6 अक्टूबर 2022 तक रही प्रभावशील। कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास 200 मीटर की दूरी में कोनो प्रकार के धरना प्रदर्शन रैली जुलूस न करेगा इस प्रतिबंधित। रायगढ़ जिला के पूंजी पथरा थाना क्षेत्र में करंट के चपेट में आए ले तीन शिकारी मन के हुई मौत। बताया जावत है कि तीनों शिकारी शिकार करे के उद्देश्य ले लगाए रही करंट तार। कुछ गड़बड़ी हो ले करंट तार के चपेट में आए ले तीनों के हुई मौत। कांकेर के आदर्श नगर में वीआईपी घर ले चोर मन 20 लाख के गहना और 15,000 नकदी कर दिन पार। घर के सबो लोगन गए रहिन प्रयागराज। सोना मकान के फायदा उठा के चोर मन दरवाजा तोड़ के सोना चांदी और नकदी के करिस चोरी। पुलिस करत है मामला के जांच। कवर्धा के कुंडा थाना क्षेत्र खमहरिया गांव में सर्पदंश के मामला। रात में सोवत पति और पत्नी ला काट लही सांप। जहरीला सांप के काटे ले पत्नी के मौत। उन्हें पति के चलत है इलाज। अब तक कवर्धा जिला में पाछू 7 दिन में सर्पदंश के है ये 8वां मामला। छत्तीसगढ़ के स्कूल मन में अब शनिवार के बैगलेस डे घोषित। स्कूल शिक्षा विभाग निर्देश करिस जारी। हफ्ता के प्रत्येक शनिवार के बच्चा मन ला स्कूल नहीं ले जाना है बस्ता। स्कूल में पूरा दिन योग, पीटी, खेलकूद, संगीत, नाटक, कहानी और अन्य हो ही गतिविधि। पुलिस अपन थाना चौकी में जब्त माल के नहीं कर पावा थे रक्षा। कोरबा जिला के रामपुर पुलिस चौकी में बोरा में बंद एक नर कंकाल ला आवारा कुकुर ले भागीस और छोड़ दीस रिहायशी इलाका में। लोगन के नजर जब पड़ीस तब पुलिस ला दीन एकर जानकारी। फिर पुलिस नर कंकाल ला लीस कब्जा में। रायपुर में पाछू 4 दिन ले माध्यमिक शिक्षा मंडल बिल्डिंग के बत्ती गुल हो ले यहाँ छाए रिथे अंधेरा। अंधेरा के फायदा उठात अधिकारी कर्मचारी कार्यालय ले रिथे नदारद। विद्युत विभाग ला सूचना दे के बाद भी अब तक नहीं हो है खराबी ठीक। गरिया बंद अंतर्गत जब्त गांजा के नष्टीकरण पर गठित आबकारी विभाग के समिति द्वारा गांजा नष्टीकरण पर 8 जुलाई 2022 के तिथि करे गई नियत।
न्यायालय रायपुर द्वारा निराकृत प्रकरण में जब्त गांजा के नष्टीकरण पर ग्राम पंचायत मजरकट्टा में स्थित पैरी नदी पानी टंकी के तीर खसरा नंबर 2 में शासकीय भूमि के करे गए चयन। डीजल लेके NMDC जावत बेरा डीजल ले भराए टैंकर बाइक सवार ला बचावत पलटी। टैंकर के पलटे से डीजल बोहा के भरा गई आसपास के गड्ढा में, जेकर बाद लोगन के डीजल लूटे मची स्फोट। हादसा में 3 लोगन घायल, 1 के इलाज के दौरान मौत। बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के देव किरारी गांव के महिला समिति द्वारा गौठान में कंपोस्ट खाद निर्माण करते, जिहां आए जाए में रोक टोक लगैया गांव के रसूखदार के द्वारा अभद्र व्यवहार, महिला से दुर्व्यवहार, गाली गलौज, आए दिन वाद विवाद और जान से मारे के धमकी ले परेशान होके ग्रामीण शिकायत लेके पहुंची बिलासपुर SP कार्यालय, तब जाके लिखाई बिल्हा थाना में FIR। आगू भी कई बार बिल्हा थाना में शिकायत कराए गए दर्ज। बिलासपुर SP के आश्वासन के बाद हुई FIR दर्ज। गांव में अवैध शराब बेचे के शिकायत और किसान ट्रैक्टर चालक मन से जोताई करे के पहली पैसा मांग करे के थाना में करे गई शिकायत। भूपेश कैबिनेट में ले गई कई महत्वपूर्ण निर्णय। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना ला दे जाही बढ़ावा। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी में अब दे जाही छूट। कैप्टन पंडा के पत्नी ला दे जाही अनुकंपा नियुक्ति। अरहर उड़द के खरीदी समर्थन मूल्य में। बिजली बिल हाफ योजना के करे जाही विस्तार। निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया के सरलीकरण। स्पंज आयरन और स्टील उद्योग ला दे जाही छूट। सहित ले गई कई निर्णय। गृह विभाग ह 8 IPS अधिकारी समेत 9 पुलिस अधिकारी के करीस तबादला, जेमा 6 जिला के SP के नाव है शामिल। संतोष सिंह ला कोरबा, प्रफुल्ल ठाकुर राजनांदगांव, भोजराम पटेल महासमुंद, त्रिलोक बंसल कोरिया, डी रविशंकर जसपुर, विवेक शुक्ला बीजापुर के नाव है शामिल। बिलासपुर में लगातार बढ़त अपराध ऊपर अंकुश लगाए के मांग लेके भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उतरी सड़क मा, थाना के घेराव कर जमके करी नाराबाजी। पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन आरोप लगाइस के राजनैतिक संरक्षण देहे के कारण शहर में बढ़त है अपराध, जे में शीघ्र अंकुश नहीं लगाए जाही ता भाजयुमो कर ही उग्र आंदोलन। अब बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके, अपन देखत रहा अपन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।